Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कानूनी प्रक्रिया का तो सम्मान करते नहीं है। वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि इस कानूनी प्रक्रिया का क्या निष्कर्ष निकलेगा, कोर्ट क्या फैसला देगी। उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जस्टिस से कोई मतलब नहीं है, और उन्हें इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है ये पता चले, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। और यही कारण है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया, कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है ये इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है। एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। इस 100% फर्जी मामले में भी कल मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया। तो क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, कोर्ट उन्हें बेल देती है और समन लीगल है कि नहीं है उसको एग्जामिन करना शुरू करती है, लेकिन मोदी जी उसका वेट नहीं कर सकते हैं, मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को दो और समन भिजवा दिए। ये क्या है, ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से, जिस तरह हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि बॉम्बे में कोई बड़ा सा डॉन है और उसके दो गुंडे हैं, जो भी उस डॉन का विरोध करता है गुंडे जाके उसके साथ मारपिटाई कर देते हैं, यही ईडी और सीबीआई कर रही है। जो मोदी जी का विरोध करता है ईडी और सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती हैं। हमने देखा है कि एक एक करके इन मोदी जी के इन दोनों गुंडों ने किस तरह से विपक्ष की एक एक पार्टी को टारगेट किया है, विपक्ष के एक एक नेता को टारगेट किया है। और अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सामने आया है, तो ये भी समझ में आ गया है कि मोदी जी के ये दोनों तीनों गुंडे ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे कि पहले उनको भेजा जाता था, उनके समन भेजे जाते थे, और फिर कहा जाता था कि अगर जैसे गुंडे जाके हफ्ता मांगते हैं वैसे ही उन कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे मांगे जाते थे। तो आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोदी जी के गुंडे हैं, वो सिर्फ मोदी जी के विरोधियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अब मोदी जी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अपनी इस ईडी के माध्यम से, अपने इस गुंडे के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं।